बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इल्ताफ चाचा, योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू मेक डिफरेंस बिटवीन अबव एंड ओवर। आज जो अस डिफरेंस पढ़ासी वो इन बिन प्रीपोजिशंस के विच में है, अबव है और बी ओवर है। हाँ, पे तो अस इन डिफरेंट मीनिंग्स लिखंदा वेंदासीं। मिसाल तौर जर अस पी मीनिंग कढ़ाऊँस त जड़े भी असा के मीनिंग दिखारे हायर दैन, ही मीनिंग हायर दैन, जड़े भी असा के मीनिंग दिखारे माना कें शे का मथे, तो उन अस बई प्रीपोजिशंस इस्तेमाल कंदासीं। अबव भी यूज कंदासीं असा ओवर भी इस्तेमाल कंदासीं। बई करे सघूंस ता पया सेंटेंस में। मिसाल तौर जर इत सेंटेंस अची वे द वाटर केम डेश हिज नी, द वाटर केम डेश हिज नीज, गोडन का मथे माना, ठीक है, तो पानी उनके गोडन का मथे है। तो इतने अस बई प्रीपोजिशंस इस्तेमाल कर सकूँ तो पाया, अबव भी यूज कर सकूँ तो पाया, ओवर भी, बई सही है इन में जड़े भी असा हायर दाइन की मीनिंग निखारे। बो पे यो है माना। हाँ, बो यो है तो जैसे भी असा मीनिंग दिखारे तो कवरिंग समथिंग, का शे कवर कर। मिसाल का शे कवर थी वे तो उन अस प्रीपोजिशन इस्तेमाल कंदासी यूज कंदासी अस ओवर, ठीक है। हाँ, जी मिसाल जो सेंटेंस है तो द क्लाउड्स आर डेश आवर सिटी, द क्लाउड्स आर डेश आवर सिटी माना सजे वलारियों भी ठाइन, कवर क्यों भी ठाइन असाने शहर के मथा। तो इतने जो अस प्रीपोजिशन इस्तेमाल कंदासी ओवर यूज कंदासी, इतने अस अबव इस्तेमाल न कंदासी सेंटेंस में। बो डिफरेंस यो थी वो, या वरी मिसाल सेंटेंस हो तो ही हैज पुट ऑन कोट डेश हिज क्लॉथ्स, ठीक है, तो ही हैज पुट ऑन कोट डेश हिज क्लॉथ्स, तो माना कपड़न के मथा जाहिरी गाल अस कोट वेड़ी तो कपड़ा ढक वा। हाँ, यो कवर करे तो पो कपड़न के कोट जो तो इन असा प्रीपोजिशन इस्तेमाल कंदासी ओवर यूज कंदासी। ऑन या अबव इस्तेमाल न कंदासी इत सेंटेंस में, यानी का शे कवर करे या ढके उन अस ओवर यूज कंदासी प्रीपोजिशन। सेकंड डिफरेंस यो थी वो, हाँ जो थर्ड डिफरेंस थी वो अस इस्तेमाल कंदासी फॉर मेजरमेंट। दिस इज नॉट मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जो मेजरमेंट हो जे या वरी हाइट हो जे या वरी समथिंग इन वर्टिकल स्केल उन्हीं लाए। हाँ, ही जेकर टेई अचन था पया इन अस प्रीपोजिशन इस्तेमाल कंदासी वी हैव टू यूज अबव, इतने अस अबव यूज कंदासी, इतने ओवर इस्तेमाल न कंदासी सेंटेंस में। या तो टेम्परेचर की गाल करे या हाइट की गाल करे या समथिंग इन वर्टिकल स्केल। हाँ, इन जो भी मां मिसाल तक दें तो पे। हाँ, मिसाल जर सेंटेंस है तो अस लिखूस था पया त the temperature is 5 degrees dash 0, ठीक है, द टेम्परेचर इज 5 डिग्रीज डैश 0। हाँ, इतने जर मिसाल प्रीपोजिशन होवर 0, ठीक है, अबव 0, ऑन 0, तो अस प्रीपोजिशन यूज कंदी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो जाहिरी गाल है इतने अस प्रीपोजिशन इस्तेमाल कंदी वह अबव यूज कंदी। या मिसाल सेंटेंस हो द समिट ऑफ एवरेस्ट इज अबाउट 800 मीटर्स डैश द
sea level. The summit of Mount Everest is about 800 meters dash the sea level. हाँ इतने जो असं इस्तेमाल कहीं जाहिर गाल हाइट की गाल पे अगेन वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन अबव इतने भी असं ओवर इस्तेमाल न कहीं सेंटेंस में या मिसाल सेंटेंस हो जाए तो शी इज वेल डेश एवरेज इन इंटेलिजेंस ठीक है हाँ इन इतने भी जो असं यूज कहीं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल स्केल तो माना अड़ो कोई भी मानू जो एवरेज का मथे हुए ठीक है वर्टिकल स्केल तो इतने भी असं प्रीपोजिशन इस्तेमाल कहीं वह अबव हाँ टेम्परेचर अची वे हाइट अची वे समथिंग इन वर्टिकल स्केल दैट इज द थर्ड डिफरेंस यो टों डिफरेंस अबव ए ओवर में अच्छा उन बाद जो इन चौथों डिफरेंस वेन वी आर टॉकिंग अबाउट एज जैसे अस एज की गाल क्यों या स्पीड की गाल क्यों ठीक है इन बिन से अस प्रीपोजिशन यूज कहीं वह ओवर अबव इस्तेमाल न कहीं सेंटेंस में हाँ मिसाल सेंटेंस हो जाए तो वेन ही वॉज डेश 60 ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब We are talking about age. He was above 60 या over 60. तो इतने जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना सी वह ओवर यह गाल याद कर छो तो अक्सर जो माना मिसाल तौर पर अस एज की गाल क्यों था पाया तो इतने प्रीपोजिशन अक्सर इस्तेमाल कहन अबव जो गलत है अस प्रीपोजिशन यूज कहीं ओवर ओवर 60, ओवर 50, ओवर 70. तो अस प्रीपोजिशन ओवर यूज कहीं अबव कदें भी इस्तेमाल न कहीं अच्छा पोयों जो किताब हो मिसाल तौर पर फर्स्ट ईयर जो टेक्स्ट हो इंग्लिश टेक्स्ट जो उनमें पे लेसन हो पाकिस्तान जिंदाबाद उनमें कायद आजम जो एक सेंटेंस इस्तेमाल थियल हो ओरली बुधा तो पो वेन द कायद वॉज डेश 70 ही वॉज टू टायर टू स्ट्रगल एनी मोर अड़े किस्म जो सेंटेंस हो तो उतें भी एज जाहिर थियल हुई तो एज से अस प्रीपोजिशन इस्तेमाल क्यों पाया ओवर इस्तेमाल क्यों पाया बाकी जो वर्ड एज है उन जहाँ इस्तेमाल कड़ा कड़ा ये अग में पा लेक्चर में बुधाए व्यां तो मिसाल जो वर्ड एज अची वे उन प्रीपोजिशन इस्तेमाल नी 60-70 अची मन वो पा अग में डिफाइन कर या स्पीड की गाल अची वे जैसे सेंटेंस आ तो ही इज ड्राइविंग 8-100 किलोमीटर्स पर आवर ठीक है तो ही इज ड्राइविंग 8-100 किलोमीटर्स पर आवर तो हाँ इतने भी अस वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन ओवर इतने भी अस ओवर यूज कहीं दैट इज द फोर्थ डिफरेंस बिटवीन देम यो फोर्थ थी वो डिफरेंस इन में जो फिफ्थ डिफरेंस थी वो इफ इट गिव्स मीनिंग ऑफ जैसे असें मीनिंग दिखारे तो पो मोर दैन यानी ठीक है जैसे असें यह मीनिंग दिखारे तो पो तो इन प्रीपोजिशन यूज कहीं वह ओवर यूज कहीं इतने वरी अबव इस्तेमाल न कहीं मिसाल सेंटेंस हो जाए तो दे आर वर्ल्ड 10 दे आर वर्ल्ड डेश 10,000 पीपल इन द फेस्टिवल देयर वर मोर दैन 10,000 पीपल इन द फेस्टिवल तो मोर दैन की मीनिंग दिखारे तो पो तो अस ओवर यूज कहीं दे आर वर अबव 10,000 पीपल इस्तेमाल न कहीं सेंटेंस में यो पंजी इन जो डिफरेंस निकरी वेंदुस माना छों जो इन थी वेंदी वेन समथिंग इज रिटन अर्लियर जैसे का शै अग में लिखल हो मिसाल जैसे हाँ इतने अस पढ़ू था पाया या इतने लिखूँ था पाया गाल क्यों अस पे लाइन की या बी लाइन की या टी लाइन की या चौथी लाइन की जहाँ अस गाल माना पे जहाँ लिखल हो सागे पेज से त
तो इन लाइन असा जो प्रीपोजिशन यूज़ कासी इस्तेमाल कासी अबव ठीक है। मिसाल जो सेंटेंस हो एग्जांपल लिखा था पे सी डैश द लाइन व्हाट यू हैव रिटन सी ओवर इस्तेमाल न कासी अबव सागे जो पेज है ना तो अस अबव यूज कासी वेन समथिंग इज रिटन अर्लियर तो इन लाइन अस अबव यूज कासी। सेवंथ डिफरेंस यो थी वेंदुस इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मील्स आर वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रिंक्स आर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉफी आर वी आर टॉकिंग अबाउट टी इन जो भी इस्तेमाल आन इन प्रीपोजिशन इस्तेमाल कासी वह ओवर यूज कासी मन ठीक है। मिसाल सेंटेंस हो लेट्स हैव डिस्कशन डैश द कप ऑफ टी लेट्स हैव डिस्कशन डैश द कप ऑफ टी लेट्स हैव डिस्कशन ऑन द कप ऑफ टी इतने हुए या हुए ओवर द कप ऑफ टी अबव द कप ऑफ टी विद द कप ऑफ टी तो इतने जो मोर एप्रोप्रिएट वो अस ओवर यूज कासी सेंटेंस में इन ही अस ओवर यूज कासी। तो हाँ ये डिफरेंसिस अबव ए ओवर में जो इतने अस डिस्क्राइब कर चुका माना एक प्रीपोजिशंस ये अच्छा उन बाद जर अस गाल जो बी प्रीपोजिशंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट त वह है ये तो लिखोस था पे ही तहे गुजरल पेपर्स में अची चुकन सेंस ए फॉर्म में डिफरेंस ठीक है। हाँ सेंस ए फॉर्म में जो डिफरेंस है वो अक्सर इं चवंदा तो दिस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड दिस इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम पर घणन के समझ में नहीं दुआ है पॉइंट ऑफ टाइम है पीरियड ऑफ टाइम है सिंपल करण लाइ अस तरीको में यो अक्सर पने ऑब्जर्वेशन में पने एक्सपीरियंस में तो यो तरीको बेहतर है तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नेम एंड सेकंड वन इज नंबर हाँ इन में नेम ए नंबर में अस लिखा तो पे टाइम भी अची वो डे भी अची वो ठीक है मंथ भी अची वो ईयर भी अची वो सीजन भी अची वो ये पंज शयूं अस नेम ए नंबर तुम इो याद कंदा वनो मिसाल दींदुस नेम ए नंबर से हाँ जिते भी नेम अची वे उतने जो अस प्रीपोजिशन इस्तेमाल कासी यूज कासी सिंस जिते नंबर अची वे उतने प्रीपोजिशन इस्तेमाल कासी फॉर ठीक है। हाँ कि अस समझा हि नेम आ या नंबर आ तो मिसाल अस टाइम की गाल क्यों पाया तो हाँ टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट मिसाल तौर पर अस गाल इवनिंग दिस इज नेम मॉर्निंग दिस इज नेम नून आफ्टरनून नाइट ये जो भी आज ये नेम्स आज इन अस सेंस यूज कासी फॉर इस्तेमाल न कासी सेंटेंस में पर इन जो उबदड़ जैसे अस मिसाल लिखा था पाया टू मिनट्स वन आवर हाँ ही सागो ही टाइम मेंशन थियल है पर इतने नंबर शो करे तो पो यानी पार्ट ऑफ द डे अची वे इवनिंग मॉर्निंग नेम आ दैट इज द पार्ट ऑफ द डे आर द नेम ऑफ द टाइम इवनिंग मॉर्निंग नून आफ्टरनून नाइट अची वो इन सेंस यूज कासी टू मिनट्स फाइव मिनट्स वन आवर टू आवर्स थ्री आवर्स उन फॉर यूज कासी सिंपली। हाँ वॉट आर द नेम्स ऑफ द डेज मिसाल अस चूं था पे सैटरडे संडे एट्सेट्रा ठीक है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे हाँ ये जो भी दीज आर द नेम्स ऑफ द डेज वॉट इज द नेम ऑफ टूडे इट इज मिसाल तौर पर संडे इट इज मंडे इट इज ट्यूसडे वॉट वॉज द नेम ऑफ यस्टरडे इट वॉज मंडे वॉट इज द नेम ऑफ टुमारो वो अस जारी गाल बुधाइंदी तो ये जो सैटरडे संडे दीज आर नेम्स ऑफ द डेज हाँ नंबर में कि वरी सागो ही अस
वन डे इस्तेमाल कयां था पया टू डेज थ्री डेज फोर डेज फाइव डेज दीज आर नंबर ठीक है ये नंबर के शो करे तो पे माना डे से नेम भी थी नंबर भी थी हाँ तुम समझी सोस था पया वॉट आर द नेम्स ऑफ द मंथ्स जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये जेके भी आन ये मंथ्स जा नेम्स आन तो ये जेके मिसाल जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई उन्हीं का बाद असा नंबर दे हलया वनेस तो वन मंथ टू मंथ्स थ्री मंथ्स फोर मंथ्स ये वरी जेके अच्छी विंदा माना वो नंबर के शो करे तो पयो सागी तरह ईयर जी गाल कयां व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ईयर तजारी गाला मानु चवंदो 2023 ठीक है व्हाट वाज द नेम ऑफ लास्ट ईयर 2022 व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रीवियस ईयर 2024 हाँ ही नेम्स आइन ठीक है पर जेकर ऐसा नंबर जी गाल कयां तो सागोई वन ईयर टू ईयर्स थ्री ईयर्स फोर ईयर्स फाइव ईयर्स ये नंबर के शो कंदा माना हेरा नेम थी है और नंबर थी है ठीक है सीजन व्हाट आर द नेम्स ऑफ द सीजन्स समर विंटर स्प्रिंग ऑटम ठीक है हाने दीज आर द नेम्स ऑफ द सीजन्स हेरा नंबर के जे करे ऐसा लिखनोस ता वन सीजन टू सीजन्स मिसाल थ्री सीजन्स फोर सीजन्स ये नंबर के शो कंदा माना तो यो डिफरेंस थी वेंदो मिसाल तौर इन में अच्छा हाँ मिसाल जो सेंटेंस लिखल हो ही हैज बिन ग्रोइंग क्रॉप्स डेश विंटर ठीक है दिस इज द नेम ऑफ द सीजन तुम इत लिखस सिंस इतने अस फॉर इस्तेमाल न कहसी सेंटेंस में पर सागो सेंटेंस हो जाए तो ही हैज बिन ग्रोइंग क्रॉप्स डेश टू मंथ्स ठीक है तो इतने अस प्रेपोजिशन यूज कहसी हाउ मेनी मंथ्स टू मंथ्स नंबर यूज थे तो इतने फॉर यूज कहसी इन सभी असं ये यूज कहसी माना ठीक सिंस 2020 आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2021 फॉर टू ईयर्स फॉर थ्री ईयर्स ठीक है फॉर टू मंथ्स थ्री मंथ्स सिंस जनवरी वी हैव टू यूज ईयर तो इन सभी अस ये इस्तेमाल कहसी उन अलावा इन में बो डिफरेंस यो वो जैसे वर्ड इन सा इस्तेमाल थे मिसाल तौर लास्ट ठीक है तो वो इतने नेम हो भली या नंबर हो वो फर्क न तो पे वर्ड जैसे लास्ट इस्तेमाल थे तो इतने जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल कहसी अस यूज कहसी सिंस फॉर इस्तेमाल न कहसी मिसाल जैसे सेंटेंस हो ही हैज बिन वेटिंग हियर डेश लास्ट टू अवर्ड्स हाँ इतने नंबर यूज थे टू अवर्ड्स ठीक है ही लिखल है तो इतने जो प्रेपोजिशन यूज कहसी अस सिंस यूज थे इन सॉरी लास्ट यूज थे इन अस प्रेपोजिशन इस्तेमाल कहसी वह सिंस यूज कहसी सेंटेंस में ठीक वरी मिसाल जो सेंटेंस हो ही हैज बिन रीडिंग देश लास्ट नाइट नेम ते भी असा सिंस भले नेम हो या नंबर हो असा सिंस यूज कहसी यो लास्ट जो इस्तेमाल है ठीक है अच्छा उन्हें कहूँ बाद